सुना जंगल रात अंधेरी, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालो जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कभी नसाब बदल, कभी मिर्जाई, कभी फलां, कभी कुरान के ख़िलाफ़, कभी मस्जिदों के ख़िलाफ़, कभी स्पीकरों के ख़िलाफ़, कभी सफ़ों के ख़िलाफ़, कभी तरावी के ख़िलाफ़। आँख से काजल साफ चुरा लें, आँख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर बला के है। चाहे नून लीग होवे, चाहे हो पीपल पार्टी होवे, चाहे हो इमरान की जमात हो, चाहे और हो मजहबी लहदे वाले हो सारे। आँख से काजल कुछ लो कुछ दो वाले, आँख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर बला के हैं। तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ओ नहीं जी, सारे ठीक हैं माशो। मौलाना साहब बस ठीक इतना ही होता है, मैं नमाज पढ़ लेना, हर साल उम्रे ते चला जाना बस। तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना पास है इस्लाम कलमा ईमान अल्लाह रसूल दी मोहब्बत सहाबा वाले बैत और पाकान उम्मत से अपना ताल्लुक, सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। सोना पास है सोना बन है, सोना माना खाली, जिदे को सुनो वड्डा ही मुफ्ती। हुज़ूर ने फरमाया मस्जिदें भरी होंगी हिदायत से खाली होंगी। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं हिदायत से खाली से मुराद है हादी से खाली, कि वहाँ हक बात करने वाला मस्जिद में नहीं हो। एक पुलिस वाला है, अच्छे अच्छे फुट पर खड़े हो जाओ। मौलाना कहे ठीक है जी बिल्कुल। फरमाया हिदायत से मस्जिदें खाली होंगी लेकिन भरी होंगी। तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि इससे मुराद हादी नहीं होगा, मस्जिद के अंदर हादी नहीं होगा, जो दीन की बात करेगा और डंगे की चोट पर करेगा। कोई कमेटियों की मजबूरियाँ, कोई पर्चे की मजबूरियाँ, कोई जेलों की मजबूरियाँ, कोई रोटी की मजबूरियाँ। सोना पास है सोना बन है और सोना जहर है उठ प्यारे। यानी इस वक्त गाफिल होना ये तो अपने आप को मारने वाली बात है। आला हजरत बरेलवी के खिलाफ सुनो कितने कितने माने में चले। सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है नींद है प्यारी, तेरी मत ही निराली है। अजीब, बदल दिया रुख मशरक को तूने ऐ मगरिब। लोग दीन का फिक्र करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल नो त्रै बादशाह ते जुल्म करते रहे, मुतवक्किल ने आके फिर इंसान वाला कोई काम किया, आप दा मोतकिद हो गया, एक लाख रुपया भेजा। तो आपने फरमाया पहले तो मेरे दीन का इम्तिहान था, अब मेरी दुनिया का इम्तिहान शुरू, और ये मेरे लिए ज़्यादा सख्त है। बस एक ही बात है, पैसा कैसे कमाना है, पढ़ाई कैसे करनी है जिससे तनख्वाहें बड़ी हो जाए, फिर कोठी कहाँ बनानी है, और कोई नहीं बात। आला हजरत बरेलवी क्या बात की है, क्या बात। तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मत ही निराली है। असी गल करिए, असी तो पहले नहीं सुने, अखा माल के खड़े हो जा, ये लबैक वाले कोई नवा ही दीन लैके आए। यह केड़ा जी है, यह कोई दीन है जी, है जी गल, है जी कोई बात। आला हजरत बरेलवी क्या, आंखें मलना और झुंझला पढ़ना, लाखों जमाई अंगड़ाई, और नाम पे उठने के लड़ता है, और उठना भी कोई गाली है।
لیکن اٹھو رسول اللہ کے دین کے لیے اٹھو, اٹھو برما کے مسلمانوں کے لیے اٹھو, اٹھو بیت المقدس واپس لینا ہے اٹھو. ہم کہتے ہیں اٹھو رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اٹھو, قرآن کی حفاظت کے لیے اٹھو. آج مسجدوں کی صفیں گوارا نہیں ہیں تو قرآن ان کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ یہ تو وقت کی تلاش میں ہیں. ہاں قرآن ان کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اسلام تو شروع ہی لا سے ہوتا ہے. ہاں منفی بات نہیں کرنی, اسلام تو شروع ہی منفی سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. تو اس واسطے اعلی حضرت بریلوی کیا بات کی, آنکھیں ملنا اور جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی. دیکھتے ہیں مولانا صاحب سوچتے ہیں ابھی تو میرے تعلقات ہیں فلان سیاسی جماعت سے, میرا چاچا ادھر ہے, میرا ابا ادھر ہے, میرے مامے ادھر ہیں, تو میں بھی سوچتا ہوں تھوڑے بارے کوئی دیکھ دیں. حضور نے فرمایا ذائقہ کس نے چکھا, کلمہ تو سارے پڑھتے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ذاقہ طعم الایمان. میں نہیں کہتا, تیرے منہ سے جو بات نکلی. حضور نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی رہا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی رہا, اور فرمایا جو میرے نبی ہونے, حضور نے فرمایا جو میرے نبی ہونے پر راضی رہا, فرمایا ایمان کا ذائقہ تو اس نے چکھا.